शहर में इन दिनों झूला छाप डॉक्टरों की धरपकड़ को प्रशासनिक टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक शहर में आधा दर्जन फर्जी चिकित्सकों और क्लिनिक संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। मंगलवार को भी सिटी मजिस्ट्रेट ने धान मिल चौराहे स्थित एक बंगाली डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा, मगर छापेमारी की भनक लगते ही डॉक्टर मौके से फरार हो गया। हालांकि उसकी धरपकड़ के लिए प्रशासनिक अमला जुट गया है, क्लिनिक को सील कर दिया गया है। देखिए लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास डिग्री नहीं है, जो अवैध रूप से लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे जो अपने को डॉक्टर कह रहे हैं जबकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके क्रम में आज धान मिल में यहाँ पर सूचना मिली थी कि एक अपने को बंगाली डॉक्टर बताते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, इलाज कर रहे हैं। तो अभी हमारे आने पर उन्होंने इसको बंद करके वो भाग गए हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और कोई भी ऐसे लोग जो वैध रूप से बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस पर लगातार कार्रवाई हमारी और स्वास्थ्य विभाग की जारी रहेगी। और मेरा भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी ये अपील है कि जो डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री है, उन्हीं से अपना इलाज कराएं, क्योंकि कभी भी किसी दवा की जानकारी ना होने से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी होगा और गलत नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास में यह है कि हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर कह के अपने यहाँ बहुत समय से क्लिनिक चला रहा है, आज हम आए तो हमारे आने से पहले ये भाग गया है। तो उसकी अभी कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट मैडम की तरफ से की जा रही है, इसे सील किया जाएगा और उसके आने के उपरांत ही खोल के देखा जाएगा कि इसके अंदर वाकई अवैध क्लिनिक चल रहा था या नहीं चल रहा था। इससे पहले जितनी कार्रवाई की गई है उनमें कितने लोग पाए गए और कितने कार्रवाई? अभी बहुत, अभी तो कल भी हमने चोरगलिया और आपका ये धान मिल साइड पर किया था, तो कल मिला के कल भी 5-6 हमने क्लिनिक जो है बंद किए थे जो अवैध रूप से चल रहे थे। लोगों से यही निवेदन है कि हमने जितने भी सरकारी अस्पताल आपके यहाँ जितने हॉस्पिटल्स हैं, कृपया करके उन्हीं हॉस्पिटल पर जाएं जो अधिकृत हैं, जो MBBS डॉक्टर हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो कुछ नहीं है, उसमें जान का बहुत खतरा बना रहता है। तो उम्मीद यही है, हमारी अपील यही है कि जिस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं तो लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि वो अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को पहले उसके दस्तावेज जाँच लें कि वो वैध डॉक्टर है या नहीं। डॉक्टर राहुल, थैंक यू।